उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त नहीं किया है, वो कैसे अपना नाम सूची में देख सकते हैं, उनको कैसे स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। जहाँ आपको बता दूँ कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, तो सभी जिलों में और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्मार्टफोन जो है वितरण होने वाला है। आपको बता दूं कि उन सभी छात्र छात्राओं का जो डाटा है वो डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए, वहां पर वेरीफाई होना चाहिए। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके पोर्टल पर डिजी शक्ति पोर्टल का एक लिंक है, वहाँ पर जो है सभी कॉलेज डिजी शक्ति पोर्टल पर उनके नाम जो है पंजीकरण करके यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और वहाँ पर इनका जो है नाम वेरीफाई होता है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है इन बीए कॉम तृतीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को 26/10/2023 सुबह 10 बजे ऑडिटोरियम और 27/10/2023 को 10 बजे जो है बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में यहां पर स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। उसके साथ में यहां पर हाईस्कूल प्रमाण पत्र, स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका, अंतिम कक्षा की फीस रसीद और आधार कार्ड, ये लेकर के आप जो है ऑडिटोरियम कक्ष में जाएंगे और वहाँ पर आपको इन तारीख में जो है यहाँ पर स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर हम अमापुर पीजी कॉलेज जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और कानपुर में पढ़ता है, इसमें जो है यहाँ पर इन तारीख को जो है यहाँ पर आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है। बाकी जिलों की बात करें तो बाकी ज़िले में भी जो है यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट का जो वितरण है वो चालू है। आपको बता दूं कि 17 तारीख में भी जो है कानपुर विश्वविद्यालय में जो यहां पर टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इसके साथ ही हमारे पास जो 26/10 में जो स्मार्टफोन टैबलेट वितरण होने वाला है उसकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, नाम वाइज भी लिस्ट है हमारे पास, देख ले आप यहाँ पर। और बाकी सभी ज़िलों की बात करें तो बाकी जितने भी ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उन सभी में जो है यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट वितरण होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जो बीए या बीएससी या बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और साथ में उनको अभी तक टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस ज़िले से हो या किस स्टेट से हो, हम आपको बताएंगे कि आपका जो है स्मार्टफोन टैबलेट किस तारीख में और किस दिन जो है यहाँ पर वितरण होने वाला है। साथ में आप अपने कॉलेज का नाम अवश्य डाल दें और अपनी क्लास अवश्य लिखें कि, और वो छात्र जरूर डालें जिनको स्मार्टफोन टैबलेट पहले मिल चुका है कि सर मुझे स्मार्टफोन टैबलेट जो है वो मिल चुका है। जिन छात्र छात्राओं को नहीं मिला है वो अवश्य अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स का नाम अवश्य डालें ताकि हम जो है उस सर्च कर सके और पता लगा सके कि आपका जो है कब और किस तारीख में जो है यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट वितरण होगा। बट हालांकि डिजी शक्ति पोर्टल पर उस डाटा उस स्टूडेंट्स का डाटा जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना चाहिए तभी जो है उस स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा, अन्यथा की अवस्था में नहीं मिलेगा। ये कंफर्म कर ले स्टूडेंट्स कि उसका जो है यहाँ पर डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड है या नहीं, वो कॉलेज से पता कर ले तो अवश्य ही उसको स्मार्टफोन या टैबलेट जो है वो अवश्य ही मिलेगा। और आपको हम बताएंगे कि आपको किस तारीख में और कब जो है किस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है टैबलेट स्मार्टफोन वितरण होने वाला है और कब जो है ये वितरण किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, साथ के साथ टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा पर आदि पर फॉलो कर ले। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमें इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।